हाय गाइस, माय नेम इज राशि शुक्ला, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ज़ूडियो हॉल। मैंने ज़ूडियो से काफी सारी चीजें परचेज करी हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और कुछ आइटम्स के पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने वहां से परचेज नहीं करी, बट उसकी क्लिप एड करके मैं आपको बता दूंगी कि ये मत परचेज करना, क्योंकि वहां पर मैंने पर्सनली ट्राई करके भी देखा और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वो सारी चीजें मैं भी शेयर करूंगी और वहां के कुछ आइटम्स भी मैं आपको दिखा दूंगी जो आपको ज़ूडियो जाके जरूर परचेज करना चाहिए। अगर आपने मेरा ज़ूडियो का व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे मेरा ज़ूडियो का फुल व्लॉग देख सकते हैं। मैंने दो पार्ट में शेयर किया है, जहां पर मैंने फर्स्ट वाले व्लॉग में आपको वहां के सारे आइटम्स, विंटर आइटम जो है, जो वहां पर मिल रहे कपड़ों वाले क्लॉथिंग आइटम है, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी है। और जो दूसरा व्लॉग मैंने बनाया है, वहां के जो स्किन केयर, मेकअप और ये सारी जो चीजें हैं वो सब मैंने वहां पर शेयर करी है। तो आप जाकर तुरंत मेरा ब्लॉग देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए ये वाला हॉल वीडियो शुरू है। तो फर्स्ट जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया ज़ूडियो में, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ज़ूडियो में मैंने ये पूरा लिप केयर का पूरा ये एक पैक परचेज किया है, जिसका प्राइस है 199 रुपीज। 99 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है लिप्स के लिए। आपको इसमें प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको एक लिप्स की केयर के लिए ज़रूरी होता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप होता है लिप केयर के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले हमें लिप केयर के लिए चाहिए होता है लिप स्क्रब। तो लिप्स को स्क्रब करने के लिए तो ये छोटा सा लिप स्क्रब है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और जो उसका फ्लेवर है वो है ब्लैक करंट, और जो उसमें से फ्रेगनेंस भी आ रही है वो भी ब्लैक करंट की आ रही है। तो पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारी सी इसकी खुशबू है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये लिप स्क्रब कुछ इस टाइप का है, बहुत ही जेंटली इसको आपको अपने लिप्स पे रब करना है, हल्के हल्के हाथों से आपके पूरे लिप्स पिंक हो जाएंगे। उसके बाद तो किसी भी वाइप से क्लीन करने के बाद, या फिर आप नॉर्मल कपड़ों से भी क्लीन करने के बाद, आपको जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है उसके बाद लगाना है लिप बाम। तो लिप स्क्रब जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, तो लिप स्क्रब के बाद भी आप लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ी ज़्यादा केयर के लिए आपको यूज़ करना है लिप बाम। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लिप बाम है, और बहुत ही टाइनी सा इसका बॉक्स है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। इसमें से भी ब्लैक करंट की खुशबू आ रही है, तो इसको इस तरह से आपको लिप्स के ऊपर अप्लाई करना है। बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये इसमें क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली है, तो लिप बाम अप्लाई करना है। देन उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, उसमें आपको एक लिपस्टिक मिली है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये इतना प्यारा कलर। मुझे लिपस्टिक चूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, बट ये वाला जो लिपस्टिक है इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो कुछ टाइनी सी छोटी सी लिपस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा ये तीनों सेट है। उसके बाद आपको लिपस्टिक अप्लाई करनी है, तो ये मुझे समथिंग पर्पल कलर में लिपस्टिक मिली है, मजेंटा कलर बोलेंगे आई थिंक इसे। तो इस तरह से अप्लाई करनी है, बहुत ही प्यारा शेड है इसका, तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने प्रॉपर ये वाला शेड अप्लाई नहीं कर रखा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, मॉइस्चराइजिंग है, और बुदली ग्राइंड हो जाता है। तो मस्ट बाय है ये चीज़, जाकर आप ज़ूडियो में ज़रूर परचेज करना, मुझे सबसे अच्छा परचेज लगा ज़ूडियो का अपना ये। तो अब जो मैंने नेक्स्ट चीज़ परचेज करी है, अब जो मेरा नेक्स्ट फेवरेट आइटम है ज़ूडियो से, वो है ये ज़ूडियो की ब्रा। तो मैं पहले ही काफ़ी सारे व्लॉग्स देख के गई थी ज़ूडियो के, कि कौन से ज़ूडियो में जाऊँ। तो अगर आपको जाना है तो आप जनकपुरी वाले ज़ूडियो में जाना, वहाँ पे 3 फ्लोर बने हुए हैं। तो जो आप फर्स्ट तो बेसमेंट है, वहाँ से भी आप सीढ़ियों से जा सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला फ्लोर है वहाँ पर आपको सारे वुमेन्स के आइटम मिलेंगे, मतलब स्किन केयर, लिपस्टिक, परफ्यूम, फुटवेयर, शूज, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। और जो भी मतलब विंटर समर्स के हिसाब से जो भी कपड़े चल रहे होंगे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ब्रा का और जो भी आपकी लॉन्ड्रीज है उसका भी एक सेक्शन मिलेगा, तो वहाँ से आप ये वाली ज़रूर ब्रा परचेज करना, क्योंकि ये जो है एकदम वायरलेस ब्रा है, और वायरलेस ब्रा मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने 399 रुपीज़ में परचेज करी है, बट ये मस्ट बाय है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, वायरलेस है, यहाँ पर वायर नहीं लगी हुई है, और यहाँ पर भी वायर नहीं लगी हुई है, सर का प्लास्टिक लगा हुआ है,
और कुछ इस तरह की है। मैंने थोड़ा सा छोटी साइज में परचेज कर ली, बट चल जाएगा। जो ब्रा के पीछे आता है स्ट्रैप, एक आता है अटैचर अलग से, आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, तो मैं वो यूज करके परचेज करूँगी। बट बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, मतलब एकदम स्लीमलेस है, तो किसी भी आउटफिट के ऊपर पहन लेंगे, काफ़ी अच्छे से आपको सपोर्ट करेगा। तो मस्ट बाय है ये वाली ब्रा, वहाँ से आप ज़रूर परचेज करना है। इसमें आपको दो तीन कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, कुछ क्लिप्स भी मैंने शेयर कर दूंगी इसी वीडियो में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको कौन कौन से आइटम्स मिल जाएंगे। तो स्पोर्ट्स ब्रा भी वहाँ पे मस्ट बाय है, स्पोर्ट्स ब्रा की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। स्पोर्ट्स ब्रा जो होती है वो आपको सेट में मिल जाएगी, मतलब पूरा सेट मिल जाएगा, ऊपर नीचे का दोनों का सेट मिल जाएगा, वो भी 499 में समथिंग था, उसका नीचे का आई थिंक 200-300 समथिंग का है। वहाँ पे पैंटीज का भी अच्छी अच्छी मिलती है, तो आप ये सारी मतलब लॉन्जरी वाला आइटम मस्ट बाय है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मैंने थोड़ा स्किन केयर से परचेज किया है वो है ये वेट वाइप। तो ये है टी ट्री ऑयल का एक मैंने परचेज किया है, एक एलोवेरा का परचेज किया है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर एलोवेरा है, आप अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए या फिर हैंड क्लीन करने के लिए किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्पेसिफिकली मेकअप के लिए ये वाला वेट वाइप दे रखा है, ये छोटा वाला जो होता है ये वाला यूज़ करना होता है आपको स्किन केयर के लिए, बट मुझे लगता है ये भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं है, ये एलोवेरा और दूसरा टी ट्री ऑयल से बना नेचुरली है, तो फेस पर अप्लाई किया जा सकता है। तो ये वाला जो है ये पर्सनली मेकअप रिमूव करने के लिए, ये थोड़ा हैंड्स क्लीन करने के लिए, या फिर नॉर्मली आपके चेहरे पे मिट्टी उट्टी हो गई तो आप वो क्लीन कर सकते हैं, तो मेकअप रिमूव कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी है, बायोडिग्रेड मतलब इसको डिस्पोज किया जा सकता है, तो इन्वायरमेंट के लिए भी इतना हार्मफुल नहीं है, तो ये मस्ट बाय है जूडियो में। देन जूडियो से जो लास्ट चीज मैंने परचेज करी है वो है ये नेल पेंट। तो वहाँ से आप ये वाली नेल पेंट्स ज़रूर परचेज करना क्योंकि नेल पेंट्स की क्वालिटी जूडियो की बहुत ही अच्छी है। तो ये कुछ मैंने नेल पेंट्स परचेज करी है, और अप्लाई करते हुए भी मैंने व्लॉग बनाया कि मतलब कितने दिन तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अगर आप ज़्यादा बर्तन वर्तन नहीं धोते हैं या ज़्यादा ऐसा कुछ मेहनत वाला काम नहीं करते हैं तो एक वीक तक आराम से चल जाएगा। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही टाइनी से इसके नेल पेंट है, बट बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, तो ये ज़रूर परचेज करना है। ये 200 के 4 पीसेस आपको मिल जाएंगे, वैसे वहाँ पर 99 रुपीज़ की भी नेल पेंट काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी सारे कलर होते हैं। वहाँ से मैंने लिपस्टिक और ये सब इसलिए नहीं परचेज किया क्योंकि मुझे लिपस्टिक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। लिपस्टिक में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे दिए गए थे, और लिपस्टिक के बाद हम लिपस्टिक के अलावा अगर हम परफ्यूम्स की बात करें तो वहाँ के परफ्यूम की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ही मतलब नॉर्मल सी स्मेल थी, इतना कुछ खास नहीं था, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं था। 99 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में, 150 रुपीज़ में, मतलब इसी तरह की रेंज में आपको काफ़ी सारे परफ्यूम वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने व्लॉग नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके मेरा व्लॉग चेकआउट करें। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे देकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।